सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, मतलब कि दिखाऊंगा जो आपने प्रीव्यू में स्टेटस वीडियो देखा था, कुछ उस टाइप की वीडियो एडिट कैसे कर सके। फुल स्क्रीन वीडियो है और ये जो है लाइट मोशन से एडिट होता है। तो आपको जो है यहाँ से दो प्रीसेट डाउनलोड करने पड़ेंगे लाइट मोशन में, उन सबका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ उन सबका डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं है, तो आपने डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। और कर लेने के बाद आपको जो है छोटा सा काम करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक कर लेना, और वीदियो अच्छी लगी तो आप कमेंट तो कर ही दोगे। सो गाइज, आपको क्या करना है, एक लाइट मोशन डाउनलोड कर लेना, मोड एपीके वाला कोई कर लेना। और कर लेने के बाद आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो प्रोजेक्ट लिंक दिए होंगे लाइट मोशन से, मोशन के। सो आपने उस पर टैप करना और डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ये खुद ही रीडायरेक्ट हो जाएगा लाइट मोशन में। सो डाउनलोड कर लेना, और कर लेने के बाद आपको जो इसको ओपन कर लेना, फिर आपने जो प्रोजेक्ट में चले जाना। और यहाँ पर दो प्रोजेक्ट जो है, पहला प्रोजेक्ट जो है ये इफेक्ट वाला है। सो ये इफेक्ट में कुछ इस टाइप से ये जो है इफेक्ट है, इसमें खाली इफेक्ट दिए हुए हैं। सो आपने जो है इसको भी डाउनलोड कर लेना, और कर लेने के बाद आपने जो बैक आ जाना। फिर दूसरा इफेक्ट जो है ये मार्क वाला, कुछ ये वाला इफेक्ट है। सो इस पर मैं टैप करता हूँ और इसको अंदर कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लिरिक्स मैंने पहले से लिख के रख दिया ताकि आपको जो है टाइम आपको बच जाए, थोड़ा कम टाइम लगे। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला लिरिक्स लिख के बताता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। कुछ इस पर टैप करना करता हूँ, और कर लेने के बाद जो है इसको डिलीट कर लेता हूँ। सो मैं कर लेता हूँ। सो डिलीट हो जाने के बाद मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ, यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके और टेक्स्ट में चले जाता हूँ, ऐड अ टेक्स्ट पे। और यहाँ से जो है फर्स्ट लिरिक्स लिख लेता हूँ, तो कुछ इस टाइप से मैं लिरिक्स लिख लेता हूँ। सो लिरिक्स लिख लेने के बाद आपको जो है इसके साइज़ को एडजस्ट कर लेना, कुछ इस टाइप से आपने जो है एडजस्ट कर लेना फिट, तो कुछ इतना कर लेता हूँ। और एडजस्ट कर लेने के बाद आपको जो है कलर को देख लेना, कलर वाइट कर लेता हूँ यहाँ से, और सिंपली ओके कर लेता हूँ। कर लेने के बाद यहाँ से जो मैं एक फाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं फाउंट देख लेता हूँ ये वाला। सो इस वाले फाउंट का भी डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप डाउनलोड कर लेना। कर लेने के बाद आपने जो है मूव एंड ट्रांजेक्शन में आ जाना, और यहाँ से जो है इसके साइज़ को बड़ा कर लेना कुछ इस वाले ऑप्शन में जाके। तो कुछ मैं इतना कर लेता हूँ साइज़, और साइज़ ओपन हो जाने के बाद, सेट हो जाने के बाद कुछ इस पर टाइप करना, इसको जो है आपने सेंटर में ले आना कुछ इतना। कर लेने के बाद आपने जो है सिंपली इससे बैक हो जाना, और कर लेने के बाद थोड़ा सा आपने जो इस पर टैप करना और इसके आगे चले जाना कुछ इस टाइप से। एरो से आपने जो आगे जाना है देख लेना, आगे एरो से आपने टैप करना और एरो से यहाँ पे आ जाना। फिर आपने जो है इस वाले ऑप्शन पे टैप करना, और ये लेयर जो है यहाँ तक एंड तक आ जाएगा। सो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मूव एंड ट्रांजेक्शन में जाना, और इसको जो आपने सेंटर में कर लेना कुछ इतना कर लेता हूँ। फिर आपने जो है कुछ इस पर टैप करना, पहले लेयर पर टैप करना और कुछ इस वाले ऑप्शन में चले जाना, ये वाला ऑप्शन, और डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेना इसका। सो इसका डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेने के बाद आपने जो है पहले वाले इफेक्ट में चले जाना, दूसरे वाले लेयर के इफेक्ट्स में चले जाना, और यहाँ से कॉपी इफेक्ट करना। और यहाँ पे जिस भी लेयर के आपने फर्स्ट या सेकंड में लेयर से कॉपी इफेक्ट कॉपी किया था, वो उसके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हमने पहले में पेस्ट कर दिया। फिर आपने इसके दूसरे लेयर पर चले जाना, जिस वाले लेयर पर चले जाना सेकंड वाले टेक्स्ट के लेयर के, फिर यहाँ से इफेक्ट में चले जाएंगे और इसके भी कॉपी इफेक्ट करके, तो कुछ इस टाइप से इस पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और कर लेने के बाद इसका कलर चेंज कर लेना, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। फिर आपने बैक आ जाना, कलर में आ जाना, और यहाँ से जो है कलर पिक कर लेना। सो यहाँ से ये कलर पिक कर लेता हूँ, तो कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। सो आपका जो है टेक्स्ट तैयार हो गया। फिर आपने जो है इमेजेस ऐड करने हैं, फिर आपको जो इमेजेस ऐड करना है। सो टेक्स्ट के लास्ट वाले बीट पे आ जाना, जहाँ पे आपका टेक्स्ट खत्म होता है। फिर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, इमेजेस एंड वीडियो में क्लिक करना है, व्यू ऑल में करना है, और यहाँ से जो है कोई अच्छा सा इमेज ले लेना अपना। सो यहाँ से मैं ये ले लेता हूँ, और ले लेने के बाद प्लस पे क्लिक करना, और यहाँ पे थ्री डॉट पे जाके फिल द स्क्रीन करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लेना, और कर लेने के बाद आपको जो है मूव एंड ट्रांजेक्शन में चले जाना, और यहाँ से इसको कुछ इस टाइप से सेंटर में कर लेना और टिक कर लेना। फिर गाइज आपको ध्यान रखना, ये जो एरो दिख रहा है आपने इस पर टैप करना कुछ इस टाइप से, और यहाँ से बैक आ जाना मूव एंड ट्रांजेक्शन से, कुछ इस वाले ऑप्शन पर टैप करना, और ये जो कट हो जाएगा। फिर आपने जो है फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना, और यहाँ जो है इमेजेस एंड वीडियो में चले जाना, व्यू ऑल में चले जाना, यहाँ से एक और फोटो को जो है आपने सेलेक्ट कर लेना। तो कुछ इस टाइप से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इसको इतना। फिर आपने थ्री डॉट पर क्लिक करना, और यहाँ से फिर स्क्रीन कर लेना, और कर लेने के बाद आपको जो है मूव एंड ट्रांजेक्शन में चले जाना, और यहाँ से इसको भी सेंटर में कर लेना। तो कुछ इस टाइप से इसको पहले मैं जूम कर लेता हूँ, कुछ इस वाले ऑप्शन में चले जाके कुछ इतना जूम कर लेता हूँ इसको। सो इतना जूम कर लेने के बाद इसको मैं जो है इतना कर लेता हूँ सेंटर में,
और सिंपली डन कर लेता हूँ। सो बैक आ जाता हूँ यहाँ से और टैप करता हूँ इस वाले ऑप्शन पे और यहाँ से कट कर लेता हूँ। फिर आपको जो है प्लस पे क्लिक करना, फिर आपने फिर से इमेजेस एंड वीडियो में चले जाना, व्यू ऑल में चले जाना और यहाँ से कुछ एक और इमेज को ऐड कर लेना, कुछ इस टाइप से जो है ऐड कर लेना और यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल द स्क्रीन कर लेना। कर लेने के बाद आपको जो है मूव एंड ट्रांजेक्शन में चले जाना, यहाँ से इसको सेंटर में कर लेना कुछ इतना और सिंपली इस वाले ऑप्शन पर टैप करना और कुछ इस टाइप से आपको जो है जूम कर लेना एडजस्ट करने के लिए और सिंपली यहाँ से इसको जो है फिर से देख लेना और इस वाले ऑप्शन पर टैप करके और यहाँ से जो है कट कर लेना। ऐसे कर करके आप उनको जो है सारे इमेजेस ऐड कर लेना, जितने भी वीडियो बनाने चाहते हो, जितने देर की वीडियो बनाने चाहते हो उतना कर लेना। सो मैं कर लेता हूँ पहले। सो इमेजेस ऐड हो जाने के बाद कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सारे इमेजेस जो है ऐड कर ले लिए हैं, जितने वीट मार्के उतने इमेजेस ऐड कर लिए। और कर लेने के बाद इस प्रोजेक्ट से बाहर आ जाना और यहाँ पे जो मैंने इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट दिया है कुछ उस पर चले जाना और चल जाने के बाद कुछ इस वाले आईफोन इमोजी को कॉपी करना, यहाँ से कुछ इस वाले लेयर पर चले जाना टैप करके और यहाँ से जो है इस वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर कॉपी लेयर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर टैप करना और बैक चले जाना सिंपली। और बैक आ जाने के बाद आपने जो है इस वाले इफेक्ट में चले जाना जिस प्रोजेक्ट से बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट में चले जाना और यहाँ से जो है टेक्स्ट जहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है कुछ उस टाइप से यहाँ पे टैप करना, यहाँ पे जो है पेस्ट लेयर कर लेना। और कर लेने के बाद आपने जो है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको जो है इस वाले लेयर पर टैप करना, कुछ इस वाले ऑप्शन में टैप करना और यहाँ से पे आ जाना और यहाँ पर टैप करके कुछ इतना दूर इसको कर लेना, ड्यूरेशन इसके यहाँ तक कर लेना। फिर मूव एंड ट्रांजेक्शन में जाना और इसको टेक्स्ट के थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इस पर टैप करना और इसका कॉपी लेयर कर लेना, कुछ इस टाइप से ऑप्शन पर टैप करना इस वाले और नेक्स्ट वाले पर चले जाना बीट मार्क पर, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देना, फिर नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर चले जाना और इसको यहाँ से जो है एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। कर लेने के बाद कुछ इस वाले पे चले जाना, फिर यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे, फिर यहाँ पे चले जाएंगे कुछ इस वाले में बीट मार्क के और यहाँ पे भी पेस्ट लेयर कर लेंगे और इससे यहाँ पे टैप करना और एक्स्ट्रा लेयर जो है कट कर लेना। तो जहाँ तक टेक्स्ट था वहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया वहाँ तक, और पेस्ट कर लेने के बाद आपको जो है क्या करना है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपने जो है उस वाले प्रोजेक्ट से बाहर आ जाना और यहाँ पे इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट में चले जाना और यहाँ से जो है फोटो देखने को मिल जाएगा, फिर इस पर टैप करना और इफेक्ट में चले जाना और इसके कॉपी इफेक्ट कर लेना। और कॉपी इफेक्ट कर लेने के बाद इस प्रोजेक्ट से भी बाहर आ जाना और यहाँ पे मेन प्रोजेक्ट में चले जाना जिस पे बना रहे हो। सो जिसने भी आपको जहाँ पे इमेजेस देखने को मिलेंगे, सो मैं इमेजेस ढूंढ लेता हूँ, कुछ ये वाला इमेजेस देखने को मिल जाएगा। जो भी इमेजेस पे टैप करना है इफेक्ट में जाना और थ्री डॉट में जाके पेस्ट कर देना, फिर आपने इस पे टैप करना है इसके भी इफेक्ट में पेस्ट कर देना है यहाँ पे। सो जितने भी इमेजेस है सबके में जाके इफेक्ट में पेस्ट कर देना है। सो मैं कर लेता हूँ। सो इफेक्ट हो जाने ऐड हो जाने के बाद आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। सो आपको एक बार प्ले करके देख लेना, अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है तो एक्सपोर्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं एक रेड कलर के पार्टिकल को ऐड कर लेता हूँ, सो कुछ इस वाले पार्टिकल को ऐड कर लेता हूँ। और कर लेने के बाद आपको जो है यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करना, कुछ इसे ये वाला तो यहाँ पर ऐड कर लेना। कर लेने के बाद आपको जो है थ्री डॉट पर क्लिक करना यहाँ ऊपर राइट साइड में और फिल स्क्रीन कर लेना। और कर लेने के बाद आपको जो है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में चले जाना, फिर आपको जो है यहाँ से लाइटिंग में चले जाना, यहाँ से स्क्रीन का ऑप्शन दिख जाएगा इस पर टैप कर लेना। तो ये जो हमारा ऐड हो चुका है तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फिर आपको जो है जहाँ पे टेक्स्ट एंड होता है वहाँ पे चले जाना जहाँ से इमेजेस स्टार्ट होना होता है। सो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना, कुछ यहाँ से इमेजेस ऐड होते हैं हमारा शुरू होता है। तो यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना, इमेजेस एंड वीडियो में चले जाना, व्यू ऑल में चले जाना, यहाँ से जो है एक विग्नेटी को ऐड करेंगे। तो कुछ इस टाइप से ये इस वाले विग्नेटी को ऐड कर लेना। सो यहाँ से मैं इसको ऐड कर लेता हूँ और कर लेने के बाद आपको जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। फिर आपने जो मूवमेंट ट्रांजेक्शन में चले जाना और इस वाले ऑप्शन में टैप करके कुछ इस टाइप से इसको जो है जूम कर लेना, कुछ इतना जूम कर लेना आपको जो है पूरे स्क्रीन में रखना।
सो इतना कर लेता हूँ। कर लेने के बाद आपको जो है बैक चले आना और यहाँ से जो है फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके व्यू ऑल में चले जाना, इमेजेस एंड वीडियो में चले जाना और यहाँ पे जो है एक स्मोक डस्ट ओवरले को ऐड करना, तो कुछ इसी वाला स्मोक डस्ट ओवरले है, फिर इस पर टैप करना, फिर इसको जो है थ्री डॉट में चले जाना और यहाँ से जो है फिर स्क्रीन कर लेना, फिर आपको ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी में चले जाना, यहाँ से जो है लाइटिंग में चले जाना और यहाँ से इसको स्क्रीन कर लेना और टिक कर लेना। सो कर लेने के बाद आपको जो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। सो आपको जो है इसके ऑडियो को जो म्यूट कर लेना स्मोक एंड डस्ट वाले वीडियो पे, और यहाँ से जो है रेड पार्टिकल के ऑडियो को भी म्यूट कर लेना, कुछ इतना कर लेना म्यूट। कर लेने के बाद आपको जो है एंडिंग में आ जाना। सो एंडिंग में आ जाने के बाद आपको जो है विगनेट के राइट आई के राइट साइड टैप करना और कुछ इस वाले ऑप्शन पे टैप करना और इसका जो है लेयर एंड तक आ जाएगा, जितनी देर हमारा फोटो था उतने देर यहाँ तक आ गया। फिर आपको जो है एक बार प्ले करके देख लेना। सो यहाँ पे जो मेरे को ये रेड कलर का पार्टिकल है वहाँ टेक्स्ट पे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे जहाँ पे हमारा टेक्स्ट खत्म होता है वहाँ तक आ जाता हूँ, इसको जो है लेफ्ट से ट्रिम कर लेता हूँ थोड़ा। सो हमारा जो स्ट्रिप्स बन के तैयार हो गया है यहाँ पे, जो मैं प्ले करके बता देता हूँ, तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। इसको जो है आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना और ये एक्सपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा। सो गाइस इसके यहाँ पे जो मैं अपने गैलरी से बताने वाला हूँ जो वीडियो बनाया हमने उसका ओवरव्यू, सो यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट होने देते हैं। सो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद आपको जो है यहाँ से सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, सो आपने पहले इसको सेव कर लेना और कर लेने के बाद आपको जो मैं गैलरी में ले चलता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म होता है, और आपको जो है कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।